सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के V27 डिवाइस के अंदर आप जो है गेम मोड सेटिंग का यूज कैसे कर सकते हैं। गेम मोड सेटिंग्स काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, इससे जो है आप कोई भी गेम प्ले कर रहे हो उसके अंदर आप जो है उसे नोटिफिकेशन को म्यूट कर सकते हो एंड ब्लॉक कर सकते हो प्रॉपरली कॉल्स वगैरह। तो बहुत सारी चीजें होती है अल्ट्रा गेम मोड के अंदर, तो अभी हम डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे गेम मोड का इस्तेमाल करना है। गाइस, गेम मोड को यूज करने के लिए सबसे पहले तो ओपन करना होगा आपको अपना फोन सेटिंग्स। सेटिंग्स हमारी यहाँ पर है, इसको ओपन कर लीजिए और एक दो एप्लीकेशंस हो गेम की आपके फोन के अंदर, हालांकि ये एप्लीकेशंस में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि गेम पर हो, इसलिए मैंने इसको ओपन कर दिया। स्क्रॉल करके नीचे आइए, शॉर्टकट में ही आपको मिल जाता है अल्ट्रा गेम मोड, इसको एक बार प्रेस करेंगे। हमारे पास ये डिवाइस टर्न ऑन कर देते हैं, ऑन हो चुका है। गेम साइड बार है, अगर ये ऑफ है तो ऑन कर लीजिए, आगे मैं दिखाऊंगा क्या यूज होता है। जितने सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं सबका आपको एक शॉर्टकट मिलता है वो गेम के अंदर। सबसे पहले तो ऐड करना सिखाएंगे, गेम को यहां पर क्लिक करिए, प्लस साइन पे आएगा, इसको प्रेस करेंगे एंड जो भी एप्लीकेशन गेम है, पहले जो ऑप्शन था ये एंड्रॉइड 9 और 10 में वो काफी एडवांस था, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता था कि कौन सा गेम है, बिकॉज अभी इसमें जो है बताना पड़ता है कि मैं इस एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन या फिर ये गेम है, इसमें हमें ये सारे सिस्टम अप्लाई करने हैं। तो जैसे कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है अमेजोन को ले लेता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ। अब अमेजोन भी ओपन करूंगा तब भी वो गेम मोड के सारे रूल्स अप्लाई हो जाएंगे इस एप्लीकेशन पे भी, क्योंकि ये गेम नहीं है फिर भी इस पे अप्लाई होंगे। तो ये यहाँ से हम इसको चूज कर सकते हैं, इसके बाद ऐड करेंगे, ऐड हो जाएगा। अब तीन एप्लीकेशन हो चुके हैं, देख सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में, यहां पर आएंगे, ई स्पोर्ट मोड है एक, इसको प्रेस करेंगे। यहां पर बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिलती है, जैसे कि ऑप्टिमाइज कंट्रोल, ऑप्टिमाइज डिस्प्ले, अडेप्टिव फ्रेम रेट एंड टेम्परेचर्स वगैरह आप देख सकते हो, मिनिमाइज डिस्टर्बेंस, ये सारी चीजें इस वाले सिंगल ऑप्शन के अंदर है। इसका एक शॉर्टकट होता है, इसको एक बार सिंगल क्लिक में ऑन कर सकते हैं। इसके बाद बैक आएंगे, यहाँ पर ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले का ऑप्शन है, मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हो उसके स्क्रीन को बंद कर देते हो तब भी ऑटोमेटिक प्ले होता रहेगा, वो चीजें आप कर सकती हो। इसका भी शॉर्टकट होता है, इसको भी हम आगे दिखाएंगे कहाँ पर होता है, कैसे ऑन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईगल आई एनहांसमेंट है, जिसमें लोकल टोन मैपिंग, कलर एनहांसमेंट, मेमोरी, कलर प्रोटेक्शन एंड डिटेल शार्पिंग जैसे ऑप्शन एक सिंगल क्लिक के अंदर आप जो है ऑन कर सकते हैं। तो अभी इसको भी देखेंगे हम, 4D वाइब्रेशन का भी ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है, वाइब्रेट कर सकते हो 4D में, और यहाँ पर फ्रेम रेट वगैरह है, इसको चेकआउट कर सकते हो। जो मोस्ट ऑफ केसेस में इंपॉर्टेंट होता है ब्लॉक नोटिफिकेशन, कोई भी गेम प्ले कर रहे हो नोटिफिकेशन डिस्टर्ब कर रही है तो आप उसे इजिली ब्लॉक कर सकते हैं। यू नो म्यूट कॉल का भी ऑप्शन मिल जाता है, कॉल्स को अगर आप चाहें तो म्यूट कर सकते हैं। सबका शॉर्टकट आता है, चलो हम डेमो करते हैं गेम के अंदर, तब ज्यादा कुछ समझ में आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ गेम्स है उसको मैं ओपन करूंगा, हालांकि मैं अगर अमेजोन को भी ओपन करूंगा तभी हमारे पास गेम्स आएगी, ये अल्ट्रा गेम मोड पे काम करेगा। देखो मैंने ओपन कर दिया, गेम मोड आ चुका है। एंड गाइस, मैंने बताया था गेम साइड बार, साइड बार क्या होता है कि यहां पर एक एरो है, इसको छोटा सा प्रेस करेंगे तो ये देखो जितने भी ऑप्शन हमने बताया था वो सारे के सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ब्लॉक नोटिफिकेशन आ रहा है, बैकग्राउंड कॉल्स आ रही है, और यहाँ पर व्यू एनहांसमेंट आ रहा है, ब्राइटनेस लोक कर सकते हैं, इवन गाइज यहाँ पर व्हाट्सएप पिक्चर इन पिक्चर का यूज कर सकते हैं। ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले भी है, अगर एक बार प्रेस कर देंगे स्क्रीन को, देखो ऑटो प्ले में चला गया है, ये ऑटोमेटिक प्ले होता रहेगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के कुछ यूज कर सकते हैं अपने फोन के अंदर, हालांकि काफी बढ़िया होता है। देखो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले ब्लिंक हो रही है बस ब्लैक ब्लैक कलर में, तो ये चीजें ऐसे काम करती है। दोबारा एक बार पावर को लॉक को अनलॉक करोगे, लॉक करके फोन को, तो ये हट जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें मिलती है इसके अंदर, यू नो नीचे आएंगे देखेंगे तो कस्टम है, रिकॉर्ड स्क्रीन कर सकते हैं, यू नो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आप कर सकते हो अल्ट्रा गेम मोड के अंदर। एंड सीपीयू और जीपीयू जैसे ऑप्शन भी ऑप्टिमाइज होते रहते हैं गेम के अंदर, तो इस फीचर को इस्तेमाल कर सकते हो एज अ अल्ट्रा गेम मोड, तो जाकर ट्राई करना। एंड गाइस, अगर कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिकॉर्डिंग, कॉमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, उसका हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।